गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर क्लास सेकेंड के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आपका जो ईवीएस है, ईवीएस में 7 चैप्टर है आपका फूड फॉर लाइफ। ठीक है, जो खाना जो है हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है। देखो, खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा? खाना से ही मिलता है। खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, हम वीक हो जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए खाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, हम खाने में कुछ भी खा सकते हैं, है ना। फूड गिव्स अस एनर्जी। हमें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे बॉडी में अगर एनर्जी होगी तभी तो हम काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। बिना एनर्जी के हम कोई काम कर सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं। हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? हमें फूड से मिलेगा। अगर हम खाना खाते हैं तो खाने से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फूड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड फाइट डिजीज। हमारा जो खाना है हमें आगे बढ़ने में, हमारे शरीर की ग्रोथ जो है उसको बढ़ने में और हमें जितनी भी आपकी बीमारियाँ हैं उससे लड़ने में हमें मदद करती है। ठीक है, तो फूड, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच हेल्प अवर बॉडी इन मैनी वेज। हम अलग अलग खाना जो है खाते हैं जो हमारे बॉडीज़ के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी होती है, वो अलग तरीके से वर्क होता है। और डिफरेंट टाइप्स फूड कौन कौन से हैं हम यहाँ पढ़ते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड आपके कौन कौन से होते हैं? जो बॉडी बिल्डिंग फूड है जिसमें हमारी बॉडी जो अच्छी रहती है और जिससे हम तंदुरुस्त रहते हैं, तो वो आपके कौन कौन से फूड हैं? मिल्क, कर्ड, पल्सेस, चीज़, मीट। पल्सेस में आपके दाल वगैरह जो आ जाएंगे वो है, चीज़ आ गए, मीट आ गया, एग्स आ गया एंड फिश। ये सब आपके क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बटर, राइस, पोटैटोस, एडिबल ऑयल्स, शुगर एंड चपातीज आर एनर्जी गिविंग फूड। आपके जो बटर, राइस, पोटैटोस, ये सब जो है ये आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और बॉडी बिल्डिंग से क्या होते हैं? हमारी बॉडी अच्छी बनती है। ठीक है, ग्रोथ अच्छा होता है बॉडी का। ठीक है, और एनर्जी गिविंग फूड्स आपके कौन कौन से हैं? बटर, राइस, पोटैटोस, एडिबल ऑयल्स, शुगर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कीप्स अस हेल्दी। देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं हमें क्या करते हैं? हेल्दी रखते हैं। ठीक है, और वो हमें किसी बीमारी से बचाते हैं। जैसे अब देखो, खाना नहीं खाओगे तो आप वीक हो जाओगे, कमज़ोर होने के बाद क्या हो गया, आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए खाना जो है आपके लिए इतनी ज़रूरतमंद होती है जो आपको डिजीज से भी बचाता है और आपको आपके बॉडी में एनर्जी लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क इज़ अ होलसम फूड। मिल्क जो है आपका होलसम फूड है। इट मेक्स अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपका जो मिल्क है उसे हम कंप्लीट फूड मानते हैं। कंप्लीट फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि मिल्क जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखता है और वो हमें, हमारे जो बोन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे जितने भी बोन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। वी मेक कर्ड, चीज़, बटर, घी एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। हम मिल्क से क्या क्या चीज़ बनाते हैं? कर्ड, दही बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं। ये हम किससे बनाते हैं? मिल्क से। मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। वी ड्रिंक वाटर एवरी डे। देखो, हमें जो पानी है हमें डेली डेली पीना चाहिए। पानी हमें रेगुलरली लेना चाहिए और पानी जितना हो उतनी मात्रा में पीवा करो। पानी से क्या होता है? आपका बॉडी एकदम अच्छा होता है, डिजीज से बचे रहोगे। और जो है आपकी बॉडी में जो खाना जब आप लेते हो, कोई मील लेते हो, तो पानी का क्या काम होता है? उसको अच्छे से, आपके जो मील है उसको अच्छे से कंप्लीट करना होता है, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड। अब फूड के सोर्सेज क्या क्या हैं? मोस्ट ऑफ फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। अब जो देखो, आपके जो खाना है कहाँ से आता है? ज़्यादातर जो खाना है आपके कहाँ से आता है? वो आता है आपके प्लांट्स से आते हैं। ठीक है, प्लांट्स से ही आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब प्लांट्स से ही आता है, है ना। वीट, ग्रील्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके शुगर, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, जितनी भी हैं ये चीज़ें जो है आपके सारे के सारे प्लांट्स से आते हैं। ठीक है, वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। और ये जो मिल्क है, एग है, मीट है, हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जानवरों से। और जो अदर चीज़ जो मैंने बताया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
मील्स वी टेक, कौन कौन से हम मील्स जो लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे कि जो मील्स वगैरह फिश जो जो मील्स जो लेते हैं, फिश मीट एग्स एंड जितने भी आपके जो नॉन वेज वाली चीज़ है उसको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। जो जो लोग मीट एग्स खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। और जो लोग सिर्फ प्लांट्स की चीज़ें खाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन। ठीक है, मील्स वी ई टेक, हम जो मील्स लेते हैं वो कौन कौन से लेते हैं, जो खाना जो हम लेते हैं किस किस टाइम लेते हैं। देखो, हम डेली के डेली जो हम मील्स लेते हैं वो 3 टाइम्स लेते हैं, ये 3 मील्स होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अब देखो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं मॉर्निंग उठते ही, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मील हो गया, पूरे दिन दिन का हमें मील्स बता रही हूँ। डे में आप जो मील लेते हो, डे में आपका फर्स्ट मील क्या हो गया, ब्रेकफास्ट, सेकंड मील क्या हो गया, लंच, और थर्ड आपका क्या हो गया, डिनर। डिनर आपका, लंच आप आफ्टरनून में लेते हो और डिनर आप नाइट में लेते हो। ठीक है, और हमारा जो लंच है, देखो ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में लेते हैं और लंच आफ्टरनून में लेते हैं, डिनर नाइट में लेते हैं। फूड से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज वगैरह है, मैं आप भेज दूँगी। समझ में आ गया बच्ची, फूड फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए जो फूड है कितना ज़रूरी है, खाना जो है हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, हमें एनर्जी देता है खाना, जिससे हम काम कर सकें, खेल सकें, है ना, और हमें डिजीज से बचाता है। डिजीज से बचाने के लिए, फाइट करने के लिए भी फूड की बहुत ज़रूरत होती है। फूड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अब पहला क्या था, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन कौन से आते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड हमें ना हेल्प करता है ग्रो करने में, मिल्क कर्ड पल्सिस वाला जो हमने किया था। फिर एनर्जी गिविंग फूड जाता है, जो हमें एनर्जी देता है जिससे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बटर, राइस, पोटैटोज, ये हो गए। और प्रोटेक्टिव फूड्स आपके हो जाते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फूड में। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।